नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 10 Pro वर्सेस Infinix Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 10 Pro में 3.08 इंच जबकि Note 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10 Pro में 207 ग्राम जबकि Note 11S में 212.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 10 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10 Pro में 84.95% जबकि Note 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 387 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 10 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 11S की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 10 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो Note 10 Pro में Mali-G76MC4 जबकि Note 11S में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10 Pro में MediaTek Helio G95 और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 10 Pro में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 10 Pro में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 10 Pro में अप टू 256GB जबकि Note 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 10 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹16,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note 11S की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,999 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Infinix Note 10 Pro में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 11s की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 10 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20G है, दूसरा Vivo Y53s 4G है, तीसरा Realme Nazo 50A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F19s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।